नहीं देखे हो तो इसी चैनल पर अवेलेबल है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए वी एट एन अकेडमी सी बी एस ई कॉमर्स इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ आर ट्राइंग टू ब्रिंग अप अमेजिंग कॉन्टेंट फॉर यू एवरी डे तो प्लीज़ मेक श्योर योर लाइकिंग द चैनल एंड शेयरिंग इट अक्रॉस ऑल योर फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करके ताकि सबको जो है इसका मदद मिल सके

इट्स कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ओ माई गॉड नाम ही एकदम इतना बड़ा भारी बड़कम है इसको जो है आई एफ आर भी बोला जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और एक बार इसका नाम ये भी होता है कई बार इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स ओके तो वेन एवर दे आर सेइंग रिजर्व्स दोनों एक ही चीज का मीनिंग होता है ये कौन से चैप्टर में यूज होता है आपके तो दिस कम्स अंडर द पार्टनरशिप सेगमेंट अब पार्टनरशिप के अंदर भी फंडामेंटल्स में इसका कोई भी रोल नहीं है इसका रोल कहाँ पर में आता है आपके ए इन योर एडमिशन चैप्टर रिटायरमेंट चैप्टर या फिर जहाँ पर आपका चेंज इन पीएसआर हो रहा है बेसिकली जहाँ पे आपका फॉर्म का कंपोजिशन चेंज हो रहा है तो वहाँ पर मैं अगर आपके क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख रहा है तो उसके साथ आपने क्या करना है ये हम यहाँ पर मैं जो है देखेंगे अब बिफोर दैट वॉट इज एन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड इसका इस्तेमाल होता ये कहां होता है है ये यूज़ एंड गर्ल्स ये जो आई एफ आर इज बेसिकली मेन्ट की हम जो है कभी भी जाके इन्वेस्टमेंट करते किसी लैंड में इन्वेस्ट कर दिया बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया कोई शेयर में इन्वेस्ट कर दिया करेक्ट नाउ वी ऑल नो द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला जिसमें आप बार 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 जो है एसेट को वैल्यूएशन करके उसका बैलेंस शीट में वैल्यू करंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से चेंज नहीं करते कीप इट एट द होल पॉइंट कि आप वो ध्यान में रखते हो कि वो जो भी टाइम पर रिकॉर्डेड है जब उसे खरीदा गया था उस टाइम के ऊपर जो भी वैल्यूएशन रहता है लेते हैं उस पर्टिकुलर एसेट को या जो भी चीज हमने खरीदी है उसको रिकॉर्ड करेक्ट है ना द होल पॉइंट ऑफ आई एफ आर इज की कई बारी नो कि जब उसको खरीदा होगा वर्सेज अभी का प्राइस जो है काफी चांसेस है कि अलग हो अब थ्रू आउट द ईयर थ्रू आउट मल्टीपल ईयर ये प्राइसेज ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहते हैं बट अब लेटेस्ट से आप ये हर बारी तो नहीं कर सकते लेकिन अब जब आपके यहाँ पर में चेंज आ रहा है आपके पार्टनरशिप के अंदर में लेट इट बी कि प्रॉफिट से चेंज आ रहा हो या फिर आ, पार्टनर कोई आ रहा है जा रहा है अब ये सारी चीज़ें जो नई डेवलपमेंट्स है ऐसे टाइम पर पुराने जो भी चीज़ें हैं उनका इफेक्ट जो है रफा दफा कर देना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है ओल्ड पार्टनर का जो भी गेन या लॉस है वो उन्हीं तक रहेगा नए पार्टनर को ना अनड्यू एडवांटेज मिलेगा ना अननेसेसरी कोई भी जो है उन्हें लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे करेक्ट सेम कॉन्सेप्ट के अंदर में वैन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो जब आप ये इन्वेस्टमेंट्स करते हो लेटेस्ट से अभी एज ऑफ नाउ के अंदर में आपके यहाँ पे कोई पार्टनर एडमिट हो गया या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है इस केस के अंदर में आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उन्हें वैल्यूएशन करी जाती है उनकी मार्केट वैल्यू क्या है उनका ये जांचा जाता है अगर इनकी मार्केट वैल्यू जो है ये जो जो पर्टिकुलर इनका अमाउंट लिखा गया है बैलेंस शीट में नोटेड है उससे अगर ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर वो उससे कम है ओके okay, अगर उसकी जितनी है यानी कि जो आपका मार्केट वैल्यू और जो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो दोनों सेम है या अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट से जो है ये मार्केट वैल्यू अगर ज्यादा है कोई प्रॉब्लम नहीं है आप अच्छे तरीके में हो आप अच्छे अच्छे गेन पोजीशन में हो बट अगर लेटेस्ट से ऐसा है कि गलती से जो आपका आपने कॉस्ट लिखा है बुक ऑफ अकाउंट में उससे जो है आपका मार्केट वैल्यू नीचे गिर चुका है ऐसे टाइम के ऊपर में आपको जो है ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है बचाता है यानी ये बनाया किस लिए कि कभी भी आपके इन्वेस्टमेंट्स में कोई फॉल आ रहा है फ्लक्चुएशन के वजह से तो ऐसे टाइम पे ये रिजर्व जो है आप पहले से ही क्योंकि बना के रखते हो तो आपको अचानक से जो है ये लॉसेस बेर नहीं करने पड़ती ये फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है आपके लिए इस बेसिकली लाइक आपको खर्चा करना है टू थाउजेंड रुपीज़ का किसी को बर्थडे गिफ्ट देना है एंड इट सडनली कम्स आउट यू नो कि आपको अरे वो टू थाउजेंड तो है ही नहीं वो तो फाइव थाउजेंड का है करेक्ट इट मीन्स कि यार बॉस जो अपन ने सोचा था खर्चा उससे भी ज्यादा करना पड़ रहा है अपने को अब ऐसे टाइम पे अगर आपके पास आपका गुड लक हो और उसके अंदर में आपके पास मनी हो तो यू कैन डेफिनेटली यूज दैट मनी राइट और उसे आप जो है अपनी टू थाउजेंड की फाइव थाउजेंड हुई हुई चीज को भी खरीद सकते हो यही काम जो है इन्वेस्टमेंट के टाइम पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व करता है जिस अमाउंट पे आपने इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया है अगर उसे ऊपर बढ़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छे पोजिशन में बट अगर उसे घट गया तो ये लॉसेज के लिए जो मिटिकेट करने के लिए इन लॉसेज को मैच करने के लिए जो है, we uses इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फंड अब इसके अंदर में भी मल्टीपल केसेस होते हैं कि जैसे कि आई आई सेड इन वेरी बिगिनिंग जो आपका इन्वेस्टमेंट का होल्डिंग कॉस्ट लाइक जो आपका यू नो बैलेंस शीट में वैल्यू दिख रहा है हमको बिफोर ये कोई चेंज आ रहा है अपने एडमिशन या पार्टनरशिप में उसके पहले जो फिगर है जो लिखा हुआ है वर्सेस जो मार्केट वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू अगर ऊपर है प्रॉब्लम नहीं है मार्केट वैल्यू उसके जितनी भी है तो प्रॉब्लम नहीं है मार्केट वैल्यू अगर उससे घट रही है और कितनी घट रही है इस पर काफी चीजें जो है मैटर करती है ओके okay? तो ये फंड जो है ये जो रिजर्व जो आपने बनाया ये आपको अभी इस सिचुएशन में काम आएगा आई होप यू अंडरस्टूड वॉट एन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अब हम चलते हैं कुछ एंट्रीज के तरीके पे या कुछ ट्रांजेक्शन के एंड में जहाँ हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट कैसा होता है आई एफ का लाइक जो भी मैंने स्टेटमेंट्स बोला ना कि अरे हाँ अगर आपका मार्केट वैल्यू ऊपर है गेन है तो कोई बात नहीं है मतलब कोई टेंशन नहीं है टेंशन नहीं है बराबर है पर उसका कोई ट्रीटमेंट तो होता ही होगा राइट तो वी आर गोइंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग आउट दिस तो सबसे पहले जो मैं बोल रही हूँ बुक वैल्यू और दूर दूर दूसरा है वो है मार्केट वैल्यू अगर दोनों के दोनों सेम है आपके यानी कि नहीं बुक वैल्यू भी आपका एज इट इज सेम टू सेम है और मार्केट वैल्यू भी फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड दोनों ही चीज़ है तो आप क्या करेंगे बेस्ट है बॉस आपको आई एफ आर यूज करने का नीड ही नहीं है अब जैसे लास्ट वाला सेशन आपने देखा नहीं हो मैंने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व लिया हुआ है उसके अंदर में एंड आई टोल्ड यू कि अगर इन रिजर्व का कोई काम ही नहीं है अगर इनसे कुछ आपको लेना देना नहीं है एज ऑफ नाम में कोई भी टेंशन नहीं आ रहा है आपको तो वॉट आर यू सपोज टू डू सीधा गो एंड ट्रांसफर इट टू पार्टनर्स कैपिटल क्यों कर दें हम पार्टनर्स कैपिटल को पूरा ये ट्रांसफर क्योंकि ये जब रिजर्व बनाया होगा तो टेक्निकली ये जो प्रॉफिट है फॉर्म के उसी में से बनाया होगा ये पूरे प्रॉफिट पे हक तो पार्टनर्स का था मतलब बेसिकली पार्टनर्स के हक में से ही निकाल के आपने ये रिजर्व को जो है बनाया था ये रिजर्व की इफ यू आर हैविंग नो नीड तो जाके रिटर्न बैक पार्टनर्स को ही दे दो कौन से पार्टनर्स को दोगे ओल्ड पार्टनर्स को दोगे ओल्ड पार्टनर्स को कौन से रेशियो में दोगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखो क्योंकि ये सारा हिल सिलसिला जो है वो ये लास्ट ईयर का है इस ईयर का है ही नहीं If it is not relating to this year, you are not supposed to do anything with it. Getting clearly? चलो. Now going to the next segment. Mam, what if यहाँ पर fluctuations है? ठीक है? पहले केस में fluctuation था ही नहीं. दूसरे केस में, तीसरे केस में, mam what if यहाँ fluctuations है? अब पहली बात. अगर जो यहाँ पर मैं आपके fluctuations है, वो अगर कम वाले, ठीक है? यानी कि जो फॉल है वैल्यू में फॉल हो रहा है. इंक्रीज का अपन बाद में बात करेंगे जो तो फॉल हो रहा है वो फॉल भी तीन तरीके से हो सकता है आपका लेट मी शो इट टू यू ऑन द राइटिंग पैडर ब्लैंक पेज आ गया है मेरा राइटिंग टूल एंड लेट अस सी हियर तो एक एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया कि मैम मेरा जो है आ, बुक वैल्यू जो है एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का

और पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में आपने इसको जो है रफा दफा करके क्रेडिट कर ले। तब मैं बांट लेना। Second situation is कि आपका जो है आई एफ आर फिफ्टी की के पर आपका जो मार्केट वैल्यू है उसमें फॉल हो रहा है cool. अब मार्केट वैल्यू आपका क्या हो चुका है सेवेंटी फाइव थाउजेंड पांच हजार का फॉल आया है आपके यहाँ पे पांच हजार इजिली आई एफ आर में से आप निकाल सकते हो ठीक है पांच हजार का फॉल यहाँ पर पूरा खत्म करना पॉइंट ओवर योर जितना भी आई एफ आर आपका है ये पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि वो खत्म तो होगा ही होगा तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट तो होना ही है फिफ्टी थाउजेंड से जो पार्ट आप यूज़ कर रहे हो फाइव थाउजेंड का जो फ्लक्चुएशन वाला पार्ट है जो फॉल है वो मिटिगेट आप किस में से करोगे टू इन्वेस्टमेंट्स में से करोगे करेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आपकी पाँच हजार से नीचे जा रही है तो आप उसे करोगे और जो बचा हुआ आपका यू नो अमाउंट है फिफ्टी थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड जो आप यूज़ कर रहे हो उसके बाद बचा हुआ जो फोर्टी फाइव थाउजेंड है आप उसको पार्टनर्स को दे दोगे सेम लाइक डब्ल्यू सी आर कॉन्सेप्ट है थोड़ा थोड़ा ये भी तो वॉट आर दे टेलिंग यू ऑल ओवर योर प्लीज ज़रा गौर से फरमाइएगा देखिएगा यहाँ पर MB जो है मेरा 75, है मेरा यानी कि फॉल कितने का है मैम फाइव थाउजेंड का आई कैन इजिली रिकवर फ्रॉम आई एफ आर तो आई एफ आर कर लेना है आपने डेबिट जस्ट लाइक डब्ल्यू सी आर इसको भी बस डेबिट ही करते जाना है पूरा पूरा टू मैम ये जो फॉल है ये फॉल किस में है इन्वेस्टमेंट में खुद में राइट टू इन्वेस्टमेंट की फॉल यहाँ पे कोई फॉल था ही नहीं तो सब पार्टनर को गया यहाँ फॉल है का जो फॉल फॉल है है वो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में से क्रेडिट होगा। बच्चा पार्टी? वैल्यू ही तो हो रहा है ना। और अभी ये टाइम है आपके पास आपका फॉर्म चेंज हो रहा है तो आप बैलेंस शीट के अंदर जो भी अमाउंट है वो रियलिस्टिक ला सकते हो आपको आज से पचास साल पहले वाली वैल्यू फॉलो करने की नीड नहीं रहेगी फुल अब जो बचा हुआ है ना आपका फोर्टी फाइव थाउजेंड यहाँ पे क्रेडिट सेक्शन में दैट यूर ट्रांसफरिंग टू मारे ओल्ड पीसी इन ओल्ड रेशियो इन अमाउंटी जब दोनों सेम से जो है आपका यहाँ पर एटी के ये आपका सेवेंटी फाइव के ठीक है थीके? अब वॉट इफ ये वाले केस में आपका जो मार्केट वॉल्यू वो पचास हजार से ही फॉल हो जाता है यानी बुक वाल्यू एटी थाउजेंड है तो आपका मार्केट वाल्यू जो है वो बन गया थर्टी थाउजेंड ओके बुक वैल्यू एटी के देन योर मार्केट वैल्यू यू हैव ओवर योर थर्टी के राइट रिजर्व बनाया गया है आपका फिफ्टी के अब आप देखिए फॉल कितना है यहाँ पर मैं केस नंबर थ्री में फॉल कितना है आपका थर्टी के से फॉल हो रहा है फिफ्टी के मैम फिफ्टी एट्टी माइनस थर्टी फॉल इज ऑफ फिफ्टी के ज द सेम एज दिस वन करेक्ट तो अभी ये वाले में एंट्री क्या मैम पार्टनर को तो कुछ मिलेगा ही नहीं सब इन्वेस्टमेंट ही खा रहा है मेरा तो सिंपल है ना क्या करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितना भी था कितना है मैम फिफ्टी के उसको कर लो डेबिट और इसके टू में कौन जाएगा मैम इन्वेस्टमेंट क्योंकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घड़ाना है ना अभी थर्टी के का हमको कितना बता देना है एटी के का थर्टी के बता देना सॉरी टू तो तो इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा अब तक फिफ्टी के से फॉल हो रहा है चौथा कैसे मैम वॉट ए फॉल अति भयंकर हो गया वॉट एफ फॉल इज ऑफ फाइव थाउजेंड यानी कि बुक वैल्यू एटी के है मार्केट वैल्यू इज सीधा जाके फिफ्टीन के ही हिट कर गया और आई एफ आर जो है मेरे पास अभी भी फिफ्टी के ही है मैम आप क्या करेंगे आई एफ आर तो इनफ है भी नहीं ठीक है ना जितना है पहले उतना लिख दो आई एफ आर आपका कितना है डेबिट फिफ्टी के से आपका इन्वेस्टमेंट कितने कितने से घट रहा है सिक्सटी फाइव से घट रहा है तो क्रेडिट जो इन्वेस्टमेंट को जाएगा आपका कितना जाएगा टू इन्वेस्टमेंट्स सिक्सटी फाइव के ही जा रहा है एटी माइनस फिफ्टीन सिक्सटी फाइव के ही जा रहा है तो ये बचा डेबिट जो है वो कितने का है फिफ्टीन के का है राइट right? ये फिफ्टीन के का क्या होगा मैम ये कहाँ जाएगा ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो ना मेरा यू नो फॉल से कवर हो रहा है यानी आई एफ आर अकाउंट जो मैंने बना रखा है उससे कवर हो रहा है अब ये लॉस के लिए मैं कहाँ पर जाऊँ आपका एटी थाउजेंड था फिफ्टी थाउजेंड आपके पास ऑलरेडी बैकअप था ठीक है दैट वाज फाइन आपके पास में तो सिर्फ थर्टी थाउजेंड का जो है आपको जुगाड़ देखना था यहाँ पर मैं और राइट लाइक आई मीन बुक वैल्यू वॉज एटी आई एफ आपके पास पचास बना रखा था थर्टी थाउजेंड तो तक भी जाए तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं था आपने ऊपर ही देख लिया वादो नहीं है आपका मार्केट वैल्यू थर्टी तक के तक है तो नो नो लॉस आर ट्यूल लाइक मतलब और कुछ नहीं है रिजर्व इज काफ़ी आई एफ इज़ काफ़ी बट वॉट if वो भी बस नहीं पड़ रहा क्योंकि और फिंग थाउजेंड आपको जो है कम करना पड़ रहा है तो ये केस में हम लोग क्या करेंगे अभी तो लेट सी ओवर आर दे इट्स वेरी सिंपल वो लोग क्या बोल रहे हैं आप लोग को जस्ट गो ओवर देयर एंड सी दिस थिंग कि मैम मैंने ना सीधा यहाँ पर भी रिवेल्यूएशन अकाउंट को ही खोल रखा है आई हैव यहाँ पर भी ओपन रिवेलून ओनली ओके तो सेम जैसा मेरा वो वाला था डब्ल्यू सी आर वाला कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट आई एम ऑल्सो फेसिंग ओवर योर सेम स्टोरी नो प्रॉब्लम नो लाइक यू नो न्यूनेस यहाँ पर मैं सेम टू सेम चीज है कि आपके यहाँ पे भी आई एफ आर हमारे यहाँ पे भी मतलब यही चीज है आपके यहाँ रिवेल्यूएशन हमारे यहाँ पे भी बिहार फेसिंग रिवैल्युएशन ओनली ठीक है तो एज आई वो सेम यहाँ पर मैं अगला केस क्या होगा यहाँ ये जो ब्लैंक स्पेस है आप लोगों का ये ब्लैंक स्पेस में क्या जाएगा रिवैल्युएशन अकाउंट इसका भी रिवेलुएशन का भी सेम यही इफेक्ट आएगाट प्रॉफिट लॉस करके अल्टीमेट फिगर जो है वो पार्टनर्स कैपिटल को ही जाएगा गेटिंग इट एवरीबडी तो दिस पार्ट आई होप इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू ना द नेक्स्ट एस्पेक्ट ओवर योर इज कि मैम अगर ये सिंगल एंड या सिंगल ही कॉन्सेप्ट दिया गया है ये ठीक है जैसे कि डब्ल्यू सी आर में हमने लास्ट वाला एंट्री देखा था कि मैम जब आप रिवैल्यूएशन को जो है उसको भी ला रहे हो पिक्चर में समटाइम्स वी सी की पार्टनर्स कैपिटल जो है ये रिवेल्यूएशन को बेयर करने वाला एंट्री वी हैव टू शो यहाँ पे भी बताएंगे तो चलेगा हाँ जी बच्चा ऑफ कोर्स बिल्कुल चलेगा क्योंकि दोनों का वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा जो है अपने आप को अपने हेल्थ को हाइड्रेटेड रखें और साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी अपना पढ़ाई कर रहे हो तो आप सारे अमेजिंग फीचर्स के साथ उसको कि यू जस्ट हैव टू डाउनलोड दीज लर्निंग ऐप विच यू कैन गेट ऑन द गूगल प्ले स्टोर एप स्टोर जो बहुत सारे अदर फ्री फीचर्स भी है जैसे अभी आप सीख रहे आपको इसको टेस्ट भी तो करना होगा तो इसके लिए भी आप मल्टीपल पोल रिविजन सेशन भी तो चाहिए तो हाँ प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन को अनलॉक करने के लिए बेसिकली विल द डिस्क्रिप्शन बिलो जहाँ मेरा प्रोफाइल दिख रहा है ध्वनि गांधी का जो लिंक है वो उस पर जाइए उसमें से आप कौन सा भी जो स्पेशल क्लासेस है देखनी है आप देख सकते हो उसको अनलॉक करने के लिए कोड मांगेगा तो यू जस्ट है्यूटिफुल सा कोड डी जी डी एल आई वी लाइफ ओके ऑल्सो टू ऑल ऑफ यू ये करने के बाद में आपको लगता है मैम मुझे फुल सिलेबस कोर्स ही चाहिए तो इस साल के 2023 का फुल सिलेबस कोर्स भी जो है हमने कवर कर लिया है सारे चीज का यू कैन सी रिकॉर्डिंग्स यू कैन सी कैन सी एवरी बेसिक इन्फोर द कोड डी जी डी लाइफ औरबल है एंड नाउ वी आर गेटिंग सम अमेजिंग ऑफर ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ यू ये ऑफर के अंदर में यू गेट अप टू फोर्टी फाइव परसेंट डिस्काउंट ऑन यूर एनअमी प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ओनली इफ यू यूज द कोड डी जी डी एल आई वीई लाइफ जिसके अंदर आप बाई कर सकते हो सब्सक्रिप्शन ऑफ फोर मंथ्स एट मंथ्स ट्वेल्व ऑन आप कौन से लेवल पे हो कौन से प्लान पे हो और आप इस रिकॉर्डिंग को कब देख रहे हो एग्जैक्टली exactly. लेकिन आप नवंबर में ही इसे देख रहे हैं तो आई कैन से वेरी ऑब्वियस है कि आप लोगों के लिए पास जो है अभी यू हैव नवंबर के कुछ दिन डिसम्बर एंड जनवरी फेब्रुवरी एंड मार्च में भी जो है आपके पेपर्स कभी कभी मतलब यू नो कुछ कुछ चलते रहते हैं तो चार महीने आपके लिए परफेक्ट रहेगा चार महीने फोर्टी फाइव परसेंट डिस्काउंट आपको मिलता है सारे सारे टीचर्स के सब्जेक्ट्स का एक्सेस, विद, विद आस्किंग देम लाइव डाउट्स आपको जो है अगर आइकॉनिक ले रहे हो तो यू गेट अ पर्सनल पूरा टाइम टेबल से लगाकर हर चीज में गाइड करेंगे यहाँ पर मैं अब आगे वाला पार्ट बढ़ते हैं हम लोग आपके लिए की वॉट इफ वॉट इफ जो है यहाँ पर मैं हमको एक और स्टोरी सुनाई दे आपने बोला मैम कि फॉल जो है पांच थाउजेंड का ही हो रहा है यानी के से कम फॉल जो फिफ्टी के का ही हो रहा है फॉल जो के से ज्यादा का हो रहा है सब चीज मैंने देख लिया अब केस जो है आपका आता है कि वॉट इफ मैम फॉल जो है मेरा फॉल हुआ ही नहीं है वो बड़ा है ओके यानी मेरा बुक वैल्यू इज एटी थाउजेंड एंड माई मार्केट वैल्यू इज लेटेस्टी थाउजेंड से बढ़िया यानी कि हंड्रेड के राइस ऑफ ट्वेंटी की अब ये केस में मैं क्या करूँ की मार्केट भाई साहब तो मेरे इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा भाव एंड फुटिज दे रही है ये केस में भी आई एफ आर को तो खत्म करना ही है तो आई एफ आर डेबिट तो आपको जो फिफ्टी के से करना ही करना पड़ेगा यू डोंव एनी ऑप्शन टू दैट राइट अब इसके बाद में आपका जो इन्वेस्टमेंट है इफ यू सी टेक्निकली वो भी तो बढ़ रहा है तो क्या दोनों का एंट्री साथ में दे या अलग दे या कैसे करे अब देखिये इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रहा है आपको आई एफ आर से बढ़ाने की उसको कोई भी जरूरत नहीं है ठीक है यू आर नॉट नीडेड एट ऑल कि उसको आई एफ आर से बढ़ाओ सिंपल है आई एफ आर डेबिट करो फिफ्टी के से और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो है ओल्ड रेशियो के अंदर में फिफ्टी के ट्रांसफर करो ठीक आई mm एफ -hmm. आर खत्म हो गया आपका जो पचास हजार वाला आपके पास डेटा अवेलेबल था पैसा अवेलेबल था उसको आपने ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया है पूरा पूरा डन कर दिया अब आपका इन्वेस्टमेंट जो है पर्टिकुलरली ट्वेंटी थाउजेंड से राइज हो रहा है तो इस केस में हम इन्वेस्टमेंट में बुलाएंगे और बोलेंगे भाई प्लीज अब जो है हमारा अमाउंट कम कर दीजिए ठीक है सॉरी बढ़ा दीजिए तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगा अप्रिसिएशन है यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट ट्वेंटी के ये वेयर कौन करेगा ए सॉरी ये, ये एक्सेप्ट कौन करेगा मैम रिवैल्युएशन अकाउंट जो है इस इस प्रॉफिट को सहमति देगा और वंस दिस इज डन लाइक वंस आपका जो है ये ट्वेंटी के वाला अमाउंट जो है यहाँ पर मैं आपका हो गया अंडरस्टूड है कि आपने डाल दिया अब इसके आगे नेक्स्ट क्या है इन्वेस्टमेंट्स तो रिवैल्युएशन के बाद में वही सेम का था जो आपने डब्ल्यू सी आर में किया था कि एक बार आपने जो है रिवेलुएशन में डाल दिया बाद में अगर आप अलग से रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रहे हो तो एटलीस्ट जर्नल एंट्री में ये डोंट फर्गेट टू राइट रिवैल्युएशन अकाउंट डेबिट ट्वेंटी के एंड दिस ट्वेंटी के विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट माई वॉट पार्टनर्स कैपिटल कौन से रेशियो में मैम ओल्ड रेशियो में सेम ट्वेंटी थाउजेंड के अंदर में आई होप यू ऑल हैव अंडरस्ट इट क्लियरली सी यू डूपर सुपर सुपर डूपर सुन इन द नेक्स्ट वाला सेशन एंड ऑल्सो जाने के पहले गिविंग यू अर टॉपर फैक्ट कि ये जो पर्टिकुलर डब्ल्यू सी आर और आई एफ आर है ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा यू नो ट्रिकी टाइप ऑफ क्वेश्चन में आते हैं वगैरह या बहुत अजीबों गरीब है याद नहीं रहते हैं बट ट्रस्ट मी लेडीज एंड जेंटलमैन इतना ईजी टॉपिक है ना ये इट जस्ट हैज़ लाइक फोर टू फाइव केसेज फॉर यू एंड जितना जल्दी आप समझ जाओगे जितना ईजिल आप इन्हें कवर कर लोगे दीज आर गोइंग टू बी रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस यू ऑल्सो दे कम सेपरेटली एग्जाम में कई बार तीन तीन मार्क के लिए यू हैव टू बी हंड्रेड परसेंट ओपन विद योर यूर्स यू नो बहुत सारे पार्टनरशिप की एडमिशन और रिटायरमेंट में भी ये लोग जो है ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे बिकॉज दे नो के बच्चों को नहीं आता है डिफिकल्ट सेक्शन में इस क्वेश्चन को पक्का टारगेट किया जाएगा तो यू हैव टू बीपेयर एंड रेडी विद य टॉप ऑफ फैक्ट देट आई वॉन्टेड टू टेल यू की टॉपर्स हमेशा जो है रेडी रहते हैं अपने सिलेबस के साथ में

स्पेशल लाइव क्लास अरेंज करने का कोशिश करूंगी ही करूंगी एंड साथ में लेडीज एंड जेंटलमैन इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई वुड वांट और यू वुड वांट फ्रॉम मी प्लीज कमेंट बॉक्स में हमेशा बताइएगा टेलीग्राम में भी आप जो है मुझे बता सकते हो ओके देन सी यू टाडा बाय एंड लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है मेक श्योर आप ऑफर्स अभी अवेल कर रहे हैं फॉर द फोर्टी फाइव परसेंट डिस्काउंट बिफोर द स्टॉक लास्ट तो डी जी डी एल आई वी ई लाइव जो है आपको इस्तेमाल करना है ये भूलना नहीं है दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज एंड गर्ल्स थैंक यू सो मच बाय